खबर सीकर के दातारामगढ़ से, जहां पर दाता कस्बे का एक बड़ा अनाज व्यापारी रातों रात अपने परिवार के साथ घर से फरार हो गया। मामले का पता लगने पर बड़ी संख्या में किसान और छोटे व्यापारी पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जानकारी के मुताबिक फरार व्यापारी पर करीब 15 से 20 करोड़ रुपए के अनाज के पैसे बकाए थे। ऐसे में किसानों को पैसे डूबने की चिंता सताने लगी। फिलहाल पुलिस व्यापारी शंभू दयाल की तलाश में जुटी है। दातारामगढ़ थाना इलाके में आज थाने पर सूचना मिली कि एक धान का व्यापार करने वाला व्यापारी अपने घर से परिवार सहित गायब हो गया है। मौके पर जाकर तस्दीक की तो काफ़ी किसान लोग, व्यापारी लोग घर के सामने मौजूद मिले, जिन्होंने बताया कि हमारे काफ़ी लोगों का धान इसके पास गिरवी रखा हुआ था और ये धान के पीछे चुकाए बिना अपने घर से गायब हो गया है, जिसमें घर के आसपास में व्यापारी के बारे में जानकारी की गई, तस्दीक की गई तो पाया कि व्यापारी कई लोगों का धान गिरवी रख रखा था, जो कि लोग अभी जो धान में गंवार के भाव में उछाल आया है तो लोग उससे पैसे मांगने लगे, तो काफ़ी ज़्यादा में उधारी होने पर अपने परिवार सहित जो मोबाइल है या जो सामान है वो घर पे छोड़कर कीमती सामान लेकर अपने घर से फरार हो गया है।